हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और आज मैं जा रही हूँ जयपुर का आमेर किला घूमने, जो बहुत ही बड़ा किला है और बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि एक एक सीन बहुत ही अच्छा देखने में है। तो फ्रेंड्स, आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहें और आमेर किला के बारे में टूरिस्ट गाइड आपको बताएंगे, इसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहें। और तो अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी कम लगे तो आप एयरफोन लगा के सुन सकते हैं, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी कम है तो एयरफोन लगा लीजिएगा, अच्छे से सुनाई देगा आप लोग को। तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहें। अमरीश नाम के एक तपस्वी हुआ करते थे यहाँ, उन्होंने घोर तपस्या की थी। उनके नाम के हिसाब से यहाँ का नाम पड़ा आमेर। 1500 साल पुराना गांव है। यहाँ पे पहले गुजरों का शासन हुआ करता था। अच्छा, गुजर गुजर, उनसे शासन सत्ता अपने हाथों में ली मीणाओं ने। अच्छा, युद्ध करके मीणाओं की जो आर्ट थी मीनाकारी, उसको और यहाँ की शासन सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए कछुआ वंश के राजपूत शासकों ने मीणाओं से युद्ध करके यहाँ की शासन सत्ता अपने हाथों में ली और यहाँ का आर्ट अपने हाथों में लिया। और यहाँ की शासन सत्ता 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कछुआ वंश के शासकों के अधीन रही। आमेर महल का निर्माण कार्य कछुआ वंश के राजपूत शासक मानसिंह फर्स्ट के द्वारा चालू किया गया था। इसको बनने में लगभग 137 साल लगे। तीन राजाओं का मेन योगदान था इसको बनाने में, मानसिंह फर्स्ट, जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकंड। जो 4 से 5 किलोमीटर के एरिया की परिधि जो है, इसमें लगभग 365 मंदिर है। वॉल बनाई गई है प्रोटेक्ट वॉल, जो कि जयगढ़ को, नारगढ़ को और आमेर महल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 12 किलोमीटर के एरिया में बनाई गई है, जो कि विश्व की 3रे नंबर की वॉल है। पहली चाइना वॉल, दूसरी कुंभलगढ़ और तीसरी कुंभलगढ़ उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद सर, सॉरी जी, 36 किलोमीटर के एरिया में उसकी लॉन्ग डिस्टेंस, और इसकी है 12 किलोमीटर की। आमेर महल में एक मंदिर है, शिला माता मंदिर, जो कि मानसिंह जी बंगाल से युद्ध करके आए थे, उस समय एक शिला लेके आए थे, उसे मूर्ति का रूप देके यहाँ स्थापित किया था। ये उनकी कुल देवी है। कहते हैं उस जमाने में कि दंती है मानसिंह जी और माता की बीच में प्रत्यक्ष वार्तालाप हुआ करता था उस समय। और उस जमाने में यहाँ नर बलि दी जाती थी, लेकिन गांव वालों का विरोध हुआ, उसके विरोध के फलस्वरूप उन्होंने यहाँ पे पैसे की बलि देना चालू की। कहते हैं जिस दिन से पैसे की बलि दी गई, उसी दिन से माता ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया, जो कि आज तक टेढ़ा है। अभी यहाँ रोज बकरी की बलि दी जाती है डेली जी। सामने जो महल देख रहे हैं आप, ये पुराना महल है, जोधाबाई का भट्ट फैल है सही। बारमल जी यही निवास करते थे, जोधाबाई के जो पिता थे यही निवास करते थे। अब थोड़ी जर्जर स्थिति में होने के कारण इसका रोक कर दिया गया है, इसके
अंदर नहीं जाने दिए। इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये नगर में निवास करने वाले लोगों के लिए आम लोगों के लिए रास्ता हुआ करता था महल में जाने का, अपनी समस्याएं प्रॉब्लम्स लेके ऊपर जाने। पानी आता है सारा पहाड़ों को यहीं स्टोर किया जाता है।
बीच में जो गार्डन है इसको मोहन बाग या कैसा बाग बोलते हैं। मोहन बाग इसलिए बोलते हैं, इनके डिजाइन करने का नाम था मोहन जी, इसलिए इसको मोहन बाग बोलते हैं। कैसर बाग इसलिए बोलते हैं, मिर्जा राजा जैसे ही यहाँ पर कैसर की खेती करने लगे, उसके लिए प्लांट लेके आए, मिट्टी लेके आए, लेकिन प्लांट सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि कंसेप्शन यहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कैसे की खेती हो सके, पहले वातावरण कैसे की खेती होती है, यहाँ का वातावरण गर्म था, लेकिन उन्होंने कोशिश की इस देश का नाम कैसे बाग। पीछे फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे ज्योता अकबर ने फिल्म में किया गाना कहने का चश्मा आ रहा है, बाजीराव मस्तानी ने पीछे पार्क करवाया है, नीचे वाला जो रोड है उसमें वीर फिल्म की शूटिंग हुई है, और ये जो गेट है इस गेट में आते जो वेट किया था ऋतिक रोशन वो ताकर अजीम सा आश्रम इसमें से एंटर होते हुए घूमते हुए जाता है और सूरज पहुँचे निवास करते थे, और उत्तर का चारों तरफ का एरिया जो है कॉरिडोर है राजा नीचे उनके ऑफिशियली 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट जहाँ हम लोग दो रूम से एक रूम देख रहे गेट देख रहे एक और उसके आगे वाला नीचे, ये एक अपार्टमेंट दूसरा अपार्टमेंट इसके आगे और तीसरा उसके आगे, तीन एक दिशा में, तीन इसके अपोजिट साइड में, तीन राइट में, तीन लेफ्ट में, 4×3=12 हर अपार्टमेंट। ये ठंडे पानी गर्म पानी होता मेरी फिंगर का शेडो देखिएगा अभी जा रहा है, यहाँ से गर्म पानी ठंडा पानी आता था, मिक्स होता था, ये यहाँ नहाते थे लगभग 4.5 फीट गहरा है, मार्बल का बना हुआ है, और ये नीचे नीचे देख रहे हॉल है, ड्रेनेज सिस्टम है, गंदा पानी यहाँ से बाहर निकालते हैं, इत्र और रेशंस डाले जाते थे पानी में खुशबू के लिए, और नहाए जाते थे राजा रानी के लिए। ये जो जालियाँ देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए बनाई गई थी, हवा और रोशनी के लिए, राइट में बाहर निकलेंगे वहाँ टॉयलेट्स बनाए हुए थे लेकिन लोग यूज़ करने लगे इसलिए उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन बाहर की तरफ चलेंगे तो वहाँ दिखाएंगे टॉयलेट्स कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो ये देख रहे हैं ये राजा रानी का टॉयलेट है, आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में यही पेंट करती हूँ, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।